हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको शेयर करती हूँ कि मॉर्निंग रूटीन में कैसे स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ, उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा। पहले सुबह नहा धो के अच्छे से किया भगवान जी का पूजा। पूजा करने के बाद मैंने डिप करके रखा था भिंडी जो मैं बनाने वाली हूँ, उसको अच्छे से वॉश करके लिया। उसके बाद सारे रूम के ब्लैंकेट्स वगैरह चेंज किए, क्योंकि मैं एवरी सैटरडे या संडे, मतलब वीक में ना टू टाइम चेंज करती ही हूँ, थ्री डेज में। उसके बाद बिट्टू आ गया, यहाँ पर पढ़ने बैठ गया। उसको मैंने बोला तुम पढ़ने बैठ जाओ, मैंने निकाला अच्छे से झाड़ू वीड़ू, क्योंकि घर का काम तो करना ही पड़ता है। और छुट्टी के दिन तो लेट उठते हैं, तो काम सारे लेट हो जाते हैं। झाड़ू वगैरह निकाल के सब जगह बेडरूम वगैरह, फिर मैं आ गई किचन में। किचन में ही ज़्यादा ये रहता है, तो किचन का भी झाड़ू अच्छे से निकाला। उसके बाद किया फटका, वो सब करने के बाद फिर मैं गई कपड़े जो लगाए थे मशीन में, अभी चलूँगी उसको भी डालना है। क्योंकि घर में अगर आप हो तो आपको ही करना है, क्योंकि मेरे घर में जैसा कि मैंने बताया है देवर और हस्बैंड और बाबू है, अभी तो फिलहाल उन लोग तो ये करने वाले नहीं, तो सारी चीज़ें आपको ही करनी है। तो ये तरह से मैं अपना रूटीन चालू करती हूँ। तो एक लेडीज़ को ना बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे, और छुट्टी के दिन तो बोल ही नहीं सकते कि काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आगे बालकनी में, यस ये मेरे सेकेंड बेडरूम का बालकनी है, जहाँ पे मैंने कपड़े डालने के लिए इस तरह से बना के रखा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि ये कैसा लगा, क्योंकि कैसा ना विंडो के बाहर डालेंगे तो डस्ट वगैरह अभी कैसा आता है तो फिर अच्छा नहीं रहता। तो मैं इधर ही डाल देती हूँ, और यहाँ पे विंडो जो है ओपन कर देती हूँ, क्योंकि उसके विंडो के बाहर मैंने एक पत्ती सी जाली जो होती है ना मस्कीटो के लिए, वो लगाया है, तो उसके थ्रू ना अच्छे से सूख जाता है, तो जिससे कि डस्ट भी नहीं आता कपड़े पे और कपड़े अच्छे रहते हैं। तो ये रीज़न से मैंने इसको ये किया हुआ है, क्योंकि ना धूप दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, बट कैसा ना कभी कभी डालती हूँ उधर, बट यहाँ पे भी धूप आता ही है थोड़ा, तो हो जाता है, क्योंकि डस्ट आएगा तो मतलब नहीं कपड़े को फिर से वॉश करने का क्या मीनिंग रह जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। वॉशिंग मशीन भी मैंने बालकनी में ही करके रखा है, उसका अलग से कनेक्शन भी है। तो मेरे कपड़े अभी डाल के हो गए, अभी मैं चलूँगी किचन में, जो कि मुझे फटाफट बनाना है खाना। ऑलरेडी टाइम हो गया और अभी बच गए हैं दो। यस, छुट्टी के दिन ऐसा ही होता है, सारे काम ख़त्म करते करते कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो किचन में चल के फटाफट मैं कट करूँगी। तो इतने टाइम में बनाने वाली हूँ भिंडी और रोटी, क्योंकि आज सैटरडे, तो शाम को बनेगा खिचड़ी, जो कि तहरी मैंने इसके पहले भी ब्लॉग में और शॉर्ट्स में आप लोग को बताया हुआ है। तो ये मैंने खिड़की थोड़ा सा ओपन कर दिया, रीज़न ये कि इस तरह से हवा आएगी और पूरा क्लीन हो जाएगा। तो आ गई मैं किचन में, अब मैंने कट किया फटाफट से भिंडी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे स्टार्ट करते हैं और कितने काम रहते हैं। वो बोलते हैं ना लेडीज़ का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, घर पे हो तो फिर क्या बताएं। और मैंने फिर दो बटाटे भी छोटा कट किए मीडियम साइज़ के, क्योंकि मेरे घर में ना भिंडी बिना बटाटे के नहीं खाते, मेरे पति देव को पसंद नहीं है। वैसे तो मैं बिना बटाटे का बनाती थी, बट उनको नहीं अच्छा लगता, इसके लिए मैं उसमें पहले बटाटे भी डालती। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप लोग बताइएगा कैसे बनाते हो। तेल वगैरह डाल के पहले लहसुन मिर्चा और बड़ी बड़ी मीन्स कोड़ोरी का तड़का वगैरह दे के फिर मैंने पहले उसमें डाला बटाटे, बटाटे थोड़े से रेड हुए, उसके डाला उसमें भिंडी। तो इस तरह से मैंने बनाया। उसके बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी। मेरे यहाँ पे कैसा है ना कि किसी को भी नहीं ठंडी चपाती पसंद नहीं है, अगर टिफ़िन में ले जा रहे हैं तो किसी तरह से खा लेंगे, बट अगर घर पे हैं तो आप तवे से उतरता रहे और उनके थाली में जाता रहे, ये कंडीशन है, तो इस तरह से ही खाते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा आपके घर में भी क्या ऐसे होता है, क्योंकि मेरे घर में ऐसा होता है और ये आदत लगाने वाली मैं ही हूँ। क्योंकि कैसा ना ऑफिस से आने के बाद शाम को जैसे आती हूँ तो लेट होता रहता है, तो फटाफट हाथ पैर धो के फ्रेश होती हूँ और किचन में जाके स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो एक साइड भाजी रखा, एक साइड चपाती आटा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद फिर जैसे भाजी निकाला और फटाफट निकालती जाती हूँ और देती जाती हूँ। तो ये तरह से सबकी अभी आदत लग चुकी है, तो अगर घर पे रहोगे तो भी इसी तरह से चाहिए, अदरवाइज़ दोपहर में कोई चपाती पसंद ही नहीं करता, कोई खाता ही नहीं है। तो इस तरह से तो मैंने बनाई रोटी और अभी मैं लगा रही हूँ खाना। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे शॉर्ट्स या ब्लॉग कैसे लगते हैं और कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, और कैसे आप अपना रूटीन चालू करते हो डेली मॉर्निंग का। और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली प्यारी सी, मेरी छोटी सी फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाइए। और आप लोग अपना कमेंट दीजिए और बताइए कि आपको मेरे शॉर्ट्स और ब्लॉग कैसे लगते हैं। आई नो कि मेरे ब्लॉग्स पे उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों, शॉर्ट्स पे थोड़े आ भी जाते हैं, पर फिर भी मैं ब्लॉग्स डालती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना ब्लॉग्स डालना ही चाहिए, और काफ़ी टाइम से मैंने नहीं डाला है, ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से, तबीयत ठीक नहीं रहेगी ना तो कुछ भी करने का मूड नहीं होता है, इसके लिए नहीं डाला है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए।